हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको आरओ के बारे में बताएंगे। आरओ के अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ही हमारे पास एक आरओ पड़ा है, मैं इसे खोल लेता हूँ। तो मैंने इसे फाइनली खोल लिया है और इसके रह गए इधर, ये भी मैं खोल लेता हूँ। मैंने इसे खोल लिया है और आप इसमें देख सकते हैं कुछ पार्ट लगे हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारा पावर सप्लायर है। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जो 36 वोल्ट और 24 वोल्ट हमें डीसी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सभी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसे एसएमपीएस भी कह सकते हो आप और एक ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो, क्योंकि ये 220 वोल्टेज को 36 वोल्टेज में या 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है, देखो ये क्या होता है कि हमारा मेन सप्लाई यहाँ से इसमें आया और इसने मोटर को, और एक ये हमारे पास इसमें दो मोटर लगे होते हैं। मैं आपको एक एक पार्ट खोल के दिखाऊंगा क्या लगा होता है, कैसे लगा होता है, क्यों लगा होता है। तो जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मेमोरी होता है और मोटर होता है। अगर आपकी मेमोरी, आपकी टीडीएस सही नहीं आ रही है ना, तो उसमें जो मेन पार्ट है वो मेमोरी का। अगर आपका जो वाटर है उसका जो उसका टेस्ट वो सही नहीं आ रहा, तो उसका जो काम है ये थोड़ा आर्ट लगा होता है, तो उसके तो लिए। तो ये देखिए, ये आपकी मेमोरी है, ये थोड़ा टाइट से कसा जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी रहता है। अगर कभी आपका वाटर का टेस्ट सही नहीं आया ना, तो वो इस कारण होता है। ये जब आपकी मेमोरीन ख़राब हो जाती है, तो ये कंपनी की मेमोरीन है, क्योंकि जो आरओ है वो अच्छी कंपनी का है, ठीक है। तो मेमोरीन इन्होंने अच्छा लगा रखा है। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा होता है और इसे इस तरीके से फिट किया जाता है। जो ये आपको लबड़ दिख रहा है, ये ऊपर की ओर रहता है, ठीक है, जहाँ पे चूड़ी है। देखिए, ये आपको कुछ नहीं करना होता, पैकिंग में से फाड़नी होती है नहीं। और उसे इस तरीके से, मैं आपको न्यू भी दिखा देता हूँ न्यू कैसा है। में आती है, आपको पैकिंग फाड़नी होती है और सेम ऐसा दिखता है। ये आपको इसमें डाल के कस देना होता है और ये इस पे बैठा देना होता है इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा लूज ना हो, अगर लूज रहेगा तो आपका जो पानी है वो लीक करेगा। तो ये मेमोरी नहीं, ये टीडीएस को कंट्रोल करता है। मेमोरी का काम होता है पानी के टेस्ट को चेंज करना और टीडीएस को कंट्रोल करना, ओके। और उसके बाद आता है फिल्टर। इनमें एक फिल्टर होता है, एक कार्बन होता है। क्या होता है, एक फिल्टर होता है, एक कार्बन होता है। अब ये कैसे पता चलेगा फिल्टर कौन है, कार्बन कौन है? तो देखिए, जो कार्बन होगा ना, उसके अंदर आवाज होगी। इनके अंदर पानी भरा पड़ा है, मैं आपको न्यू दिखाता हूँ न्यू में कैसा होता है। तो मेरे पास फिल्टर है, कार्बन नहीं है। देखिए, फिल्टर के अंदर कोई भी आवाज नहीं मिलेगा, सेंटिमेंट फिल्टर। ये क्या फिल्टर है, कार्बन के अंदर आपको वॉइस मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू फिल्टर है। इसकी जो कीमत होती है ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, अलग अलग रेट में मार्केट में अवेलेबल होता है, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, उस हिसाब से। इसमें आपको एक फिल्टर और एक कार्बन मिलेगा। देखिए, ये आपका फिल्टर है, ये आपका कार्बन है। इसके अंदर आवाज है, यानी इसके अंदर छोटी छोटी कार्बन की गोलियां होती है, इसलिए इसे कार्बन फिल्टर कहते हैं, कार्बन फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर है, इसका इसके अंदर पेपर फिल्टर होता है, ये कार्बन फिल्टर होता है, इसके अंदर कार्बन का यूज किया जाता है। और ये दोनों फिल्टर और कार्बन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा वाटर है ना, देखिए यहाँ पे दो लेड है, एक इनलेट एक आउटलेट। ये चौक लगा रखा है, इस चौक की हमें कीमत नहीं है, बिकॉज ये जो ये होता है यूवी, ये वाटर के टेम्परेचर को बस इंक्रीज करता है, मतलब वाटर को गर्म करता है। इसका कोई भी काम नहीं होता है, इसके अंदर एक इसमें एक बल्ब होता है जो पानी को गर्म करता है, और ये बल्ब चेंज किया जा सकता है। वैसे इसकी जरूरत होती नहीं है, बल्ब फ्यूज है। देखिए, ये आपका बल्ब जो है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो हमारा इसको कोई भी काम नहीं है, तो हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि ये सब कंपनी बस शॉप के लिए देती है, इसको कोई फायदा नहीं होता। तो हम इसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, काट के मैंने इसे रिमूव कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको कोई काम है आज तक। बस कंपनी शॉप के लिए, पैसा कमाने के लिए सब लगा के दे देती है। देखिए, अब यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ आप देख सकते हैं, आपका मेन लाइन आया इसके अंदर। देखिए, मेन लाइन आया इसके अंदर और ये गया स्विच के अंदर। ये इसके अंदर एक स्विच लगा रहता है। स्विच का काम क्या होता है, जो ये स्विच है, यहाँ पे एक स्विच लगा है। देखिए, जो स्विच होता है ये जब आपका कंप्लीट बढ़ जाता है ना, तो ये कट ऑफ कर देता है सर्किट को, कि आपका जो आर ओ वो बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज में कनेक्ट होता है स्विच मेन की लाइन के साथ। उसके बाद आपका ये जब ये ऑन हो जाएगा, तो ये एक इस मोटर को, ये 24 वोल्ट का मोटर होता है, और ये 36 वोल्ट या 24 वोल्ट या 48 वोल्ट का मोटर होता है। ये आपको 24 वोल्ट में मिल जाएगा, 36 वोल्ट में मिल जाएगा और 48 वोल्ट में मिल जाएगा। मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। ये आपको छोटा मोटर, ये 24 वोल्ट पे अप्लाई होता है, इस पर 36 वोल्ट अप्लाई नहीं किया जाता है।
ठीक है, ये क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है। जैसे अगर आपका आरओ बंद हो तो आउटपुट में पानी वेस्ट ना हो, अगर ये मोटर नहीं रहेगा तो आपका जो पानी है, फ्लो है पानी का, वेस्ट वाटर है, वो आपका फ्लो होता रहेगा अगर ये मोटर काम नहीं करेगा तो। और ये मोटर क्या करता है, जो वाटर का प्रेशर होता है उसे इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पाइप है, दो एक इनलेट है एक आउटलेट। अब हम ये देखना इनलेट कौन आउटलेट कौन है, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे सिंबल बना रखा है इनलेट आउटलेट का, वो कोई मैटर नहीं करता आपने कौन सा सिंबल बनाया, क्योंकि यहाँ पे सिंबल नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा। मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। मैंने फिल्टर को देखिए, फिल्टर के अंदर क्या है, हमें एक एरो दिखाई देता है कि वाटर किधर से किधर ट्रेवल करेगी, यानी वाटर यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल करेगी। तो मैं इसे पहले ऐसे फिट कर देता हूँ, ठीक है। और जो एक पाइप है ना, कोई भी एक पाइप दोनों में से, मैं उसे इसमें लगा देता हूँ। मैंने फाइनली एक पाइप लगा दिया। अब क्या करना, मुझे ये फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर के बाद मुझे कार्बन लगानी है। मेरे पास कार्बन है, देखिए यहाँ पे कार्बन फिल्टर लिखा पड़ा। अब इसका भी एक एरो बना पड़ा होगा वाटर का, इसका हमें एरो चेक करना पड़ेगा, एरो कैसा है। आप दोनों तरफ से लगा सकते हो, लेकिन कुछ कंपनी के फिल्टर्स होते हैं वो एक तरफ से ही वाटर को फ्लो करने देते हैं, तो हमें फिल्टर सिंबल देखना होता है। इसमें भी ऐसे ही लगेगा, ये हमने इसे लगा लिया और इस पाइप को कनेक्ट कर दिया। ये ध्यान रखिए कि पाइप की जो ये जो लॉक होते हैं ये अच्छे से टाइट होने चाहिए, वरना इसमें पानी लीक करेंगे, और चेक कर लेना चाहिए। तो अब आपको समझ आएगी, यहाँ से पानी हमारा इनपुट आया, पानी यहाँ से आया, फिर पानी के आने के बाद इसमें गया फिल्टर में, फिल्टर के बाद कार्बन में, अब कार्बन से हमारे मोटर में जाएगा, कार्बन से किस में जाएगा, हमारे मोटर में जाएगा। कौन से मोटर में जाएगा, देखिए कार्बन से छोटे मोटर में गया, छोटे मोटर से फिर इस मोटर में जाएगा। देखिए छोटे मोटर से किस मोटर में जाएगा, इस मोटर में जाएगा। अब इस मोटर के बाद ये जो पाइप आया है, इस मोटर के बाद ये मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। मेम्ब्रेन ये है, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि टीडीएस को कंट्रोल करता है। तो अब हम मेम्ब्रेन को फिटिंग करेंगे। मेम्ब्रेन की फिटिंग में क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को हम फिट कर देंगे। ये हो गई हमारी मेम्ब्रेन फिट। और जो ये जो मोटर में से पाइप आ रही है, ये ध्यान रखिए जो मोटर दोनों होता है ना, इनका जो वाटर कनेक्शन होता है सीरीज में होता है। यानी देखिए जो कार्बन से पाइप निकला वो इस मोटर में गया, इस मोटर से जो पाइप निकला पीछे देखिए नीली कलर की पाइप दिख रही होगी आपको, ये जो पाइप है इस मोटर में गया, इस मोटर ने इस मोटर के बाद अभी मेम्ब्रेन में जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पाइप है ना मोटर के अंदर से जो आ रहा है वो इसमें जाएगा, एक तरफ जहाँ पे सिंगल पाइप का ऑप्शन है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये आपका कनेक्शन हो गया। इसे ऐसे फिट करना कि पाइप में बैंड ना हो और इफेक्ट ना पड़े, मतलब देखने में भी थोड़ा सही लगे। ये नहीं कि कोई मिस्त्री या कोई आके आपको गलत कह दे। तो मैंने इसे इस तरीके से फिट कर लिया है। और कोशिश कीजिएगा कि जो पाइप है बॉडी से बाहर ना निकले। तो मैंने इसे ऐसे फिट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पाइप हैं थोड़े, ये वेस्ट का पाइप है, मैं इसे पीछे कर लेता हूँ, बिकॉज जो वेस्ट का पाइप है वो इधर आएगा। देखिए अब इन दोनों में, तो हमने मेम्ब्रेन को जोड़ दिया मोटर के साथ। अब क्या करना है कि जो हमारा, हमारे पास यहाँ पे दो पाइप हो गए, एक पीने वाले पानी का एक गंदा पानी का। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा पीने वाले पानी का कौन सा, गंदे पानी का कौन सा है? तो हमेशा जो गंदे पानी का होगा ना वो आगे वाला होगा, गंदे पानी का कौन सा होगा आगे वाला होगा। तो मैंने ये आउटलेट, जो आउटलेट पाइप है ना, यहाँ देखिए एक इनलेट एक आउटलेट है, तो आउटलेट को मैंने कनेक्ट कर दिया। जो पाइप है वो बाहर जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा वो बाहर निकल रहा है। जो ये हमारी पीने वाले पानी का है, तो हम इसमें इसे डायरेक्टली टंकी में भर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक वाटर चेंजर लगता है जिससे पानी का जो टीडीएस जो टेस्ट वो चेंज होता है, वो इसमें इन्होंने नहीं दे रखा है। तो आप डायरेक्टली इस पानी को यूज कर सकते हैं। ये आपका जो पानी है इसका जो टीडीएस होगा वो 50-60 समथिंग अप्रोक्सीमेट होगा, वो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की मेम्ब्रेन लगा रखी है। मेम्ब्रेन जितनी अच्छी होगी टीडीएस उतना ही कम होगा, मेम्ब्रेन जितनी बुरी होगी मतलब जितनी लो क्वालिटी की होगी उसकी टीडीएस उतनी ज्यादा होगी। तो इसके बाद आप पानी का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप यहाँ पे यूवी लगा सकते हो या कुछ और भी लगा सकते हो, लेकिन यूवी लगाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यूवी के अंदर बस एक फिलामेंट होता है, एक हीटर होता है जो पानी को गर्म करता है, उसके अलावा यूवी का कोई काम नहीं होता है। तो प्लीज जब भी आप आरओ खरीदे तो यूवी ना देखें, क्योंकि यूवी का कोई भी काम नहीं होता है, पानी गर्म करने का काम होता है। और लोग मैक्सिमम पानी ठंडा करके ही पीते हैं, और गर्मी ठंडी की बात रही तो अलग बात है, लेकिन हमारे यूवी का कोई काम नहीं होता है। इसके आगे भी कई चीजें लगती है, लेकिन इस आरओ में प्रोवाइड नहीं कर रखी, क्योंकि ये जो आरओ है ये 4,500-4,000 रुपए में मिलता है। और जो मोटर की बात है, तो मोटर का हम देख लेते हैं। मोटर कई तरीके का होता है, और ये मोटर की जो गारंटी होती है ये भी साल भर की होती है अगर आप परचेज करते हैं तो, और मोटर की भी कई क्वालिटी होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे मोटर कौन सा बेस्ट होता है। तो ये आपको कंप्लीट आरओ का कनेक्शन है, इसके बाद आप कुछ भी जोड़ सकते हैं और आप पीने के लिए पानी को और निकाल सकते हैं। और तो इसमें कुछ खास है नहीं, और तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा।